एक बार एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपनी बैक पॉकेट से एक 500 का नोट निकाला और उसने क्लास में 100 बच्चे थे उन बच्चों से क्वेश्चन किया कि ये 500 का नोट किस किस को चाहिए। तो सारे 100 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर उस प्रोफेसर ने क्या किया, उस 500 को नोट को 4 टाइम फोल्ड किया और फिर पूछा अब ये नोट किस किस को चाहिए। तो स्टिल 100 बच्चों ने फिर अपना हाथ खड़ा किया। फिर उस प्रोफेसर ने क्या किया, उस 500 के नोट को पूरा मड़ोड़ के रख दिया अपनी मुट्ठी में और फिर पूछा ये 500 का नोट किस किस को चाहिए। स्टिल 100 बच्चों ने फिर भी हाथ खड़ा किया। फिर उस प्रोफेसर ने क्या किया, उस नोट को पकड़ा और नीचे जमीन पे फेंक दिया और अपने जूतों से उसको मसल लिया, अपने पैरों से बुरी तरह से मसला और फिर ऊपर उठाया और उस नोट पे तरह तरह की धूल मिट्टी वगैरह लग गई थी। फिर उसने उन बच्चों से क्वेश्चन किया अब ये 500 का नोट किस किस को चाहिए। स्टिल 100 बच्चों ने फिर भी अपना हाथ खड़ा किया। फिर प्रोफेसर ने अपना लेक्चर समाप्त करते हुए कहा, देखिए माय चिल्ड्रन, मैंने आज आपको ये नोट एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए इस तरह से किया। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन आज सिखाने वाला हूँ। ये 500 का नोट है, मैंने इसको तोड़ा मरोड़ा, नीचे जमीन पे फेंका, अपने जूतों से इसको कुचला, लेकिन फिर भी क्या इस 500 के नोट की वैल्यू कम हुई? क्या ये मार्केट में जाके आपको 400 रुपये का मिलेगा या 300 का मिलेगा? नहीं, स्टिल इसकी वैल्यू 500 ही है। तो एक इम्पोर्टेंट लेसन आप सबको सिखाने वाला हूँ। हमारे साथ क्या होता है, कई बार लाइफ भी हमें तोड़ती है, मरोड़ती है, हमें इधर से उधर फेंकती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को वहां पर कम कर देते हैं। लेकिन जब एक 500 के नोट की वैल्यू कम नहीं हो सकती है तो हम तो एक इंसान है, हमारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है? कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारी वैल्यू अच्छे कपड़े पहनने से बढ़ेगी, हमारे बैंक अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी हमारी वैल्यू होगी। नहीं, हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी खुद पे डिपेंड होती है। हमारी वैल्यू बढ़ती है लर्निंग से, जितना हम अपने फील्ड में सीखते हैं उससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूं। 2009 में एक याहू के 10 साल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को फेसबुक और ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे नौकरी पे नहीं रखा, लेकिन उस आदमी ने अपनी वैल्यू कम नहीं होने दी। उस इंसान ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया जिसको फेसबुक ने 5 साल बाद $19 बिलियन में खरीदा। उस ऐप का नाम था व्हाट्सएप। जेके रॉलिंग्स, जो कि वर्ल्ड की बहुत फेमस ऑथर बनी, एक सक्सेसफुल ऑथर बनी, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। 17 साल की एज में उन्हें कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया था, 25 साल की एज में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, 28 साल में उनका डिवोर्स हो गया था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी वैल्यू कम नहीं होने दी और दुनिया की सबसे फेमस ऑथर बन के दिखाया। 42 साल की एज में उन्होंने अपनी बुक, जिसपे उन्होंने हैरी पॉटर जो मूवी बनी उस पर जो उन्होंने उसकी जो बुक बुक उनकी बुक से इंस्पायर होकर वो मूवी बनी, उस बुक की उन्होंने 42 साल की एज में 24 घंटे में 11 मिलियन कॉपी बेच डाली। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसी की बनाई हुई कंपनी से फायर कर दिया गया था, उसी की बनाई हुई कंपनी से उसको निकाल दिया गया था, वो व्यक्ति आगे चलकर स्टीवजॉब्स बना, जिसने कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, ढेरों एग्जांपल हैं। उन लोगों ने कभी भी अपनी वैल्यू को कम नहीं होने दिया, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को जानबूझ के गिरा देते हैं। हम तो अनमोल है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी वैल्यू हम पे डिपेंड करती है, हम कितना अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना, अपनी वैल्यू को कभी भी कम नहीं होने देना। लाइफ हमें कई बार चैलेंज करेगी, कई बार हमें मुंह के बल नीचे गिराएगी, लेकिन हमने अपनी वैल्यू को कम नहीं होने देना, हमारे हमेशा अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।